हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय डी क्रिएशन। आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ले ली है। उसको मैंने ये से डबल फोल्ड में करके और यहाँ पे मैं हमारे नेक की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। नॉर्मली हम 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं और यहाँ पे हम अपने हिसाब से लंबाई रखेंगे। मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। 7 इंच ये रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे राउंड में। और उसके बाद हम इसके इसको 1-1 इंच पर यहाँ पर फिर एक और निशान लगाएंगे। इसे हमें प्रॉपर ही रखना है, इसलिए मैं 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ। और फिर हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसे किसी कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए इसको कच्चा बड़ी सिलाई के साथ इसको यहाँ पे देखिए कच्चा कर लेंगे, ताकि बाद में हम इसको इस सिलाई को निकाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए हम ये इसके बाद हम इसको सेंटर में यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम एक मैचिंग कपड़ा लेंगे। मैचिंग कपड़े के 2x2 के पीसेस लेंगे और उसको ऐसे हम ट्रायंगल्स बना लेंगे और इसी तरह हम थोड़े ज़्यादा ट्रायंगल बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगल्स बना लेंगे हमारे पूरे नेक के लिए। देखिए हमने ट्रायंगल्स बना लिए हैं और हम इन सबको कट कर लेंगे। देखिए मैं ट्रायंगल कट कर लिए हैं। हम अपना नेक लेंगे और हम अपने देखिए कुछ ही थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच दे देंगे। आप कच्ची स्टिच भी रख सकते हैं यहाँ पे और एक के बाद एक हमें एक तरफ ही लगाना है। इसे ऊपर नीचे नहीं लगाने, हमें एक साइड को ही लगाने हैं। ये अगर हम उसके ऊपर रख के लगा रहे हैं तो ऊपर रख के सिलाई देनी है हमें। और कुछ इस तरीके से हम थोड़े पास पास से इन सब ट्रायंगल्स को लगा लेंगे। देखिए हम इसको फिनिश करेंगे इसी तरीके से। हम अपने पूरे नेक पर इन ट्रायंगल्स को लगा लेंगे। ये बहुत ही ट्रेंडिंग नेक है, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और बनाने में भी बहुत आसान है ये। देखिए ट्रायंगल्स सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका सेंटर कर लेंगे और हमारे शर्ट पर हमें पिछली साइड इसको अटैच करना है, क्योंकि हम इसको आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने इसको सेंटर कर लिया है और यहाँ पे मैंने सेंटर पर निशान भी लगा लिए हैं।
और हम इसको फ्रंट की तरफ रखते बैक की तरफ रखते हुए और यहाँ पर नॉर्मली जैसे हम नेक अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कर लेंगे सेंटर की सिलाई लगाते हुए। और यहाँ पे देखिए सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको एक साइड में घुमा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारा वेस्ट है उसको कट कर जो यहाँ पर कपड़े ये सारा कट कर लेंगे, सिर्फ हमें इतना मार्जिन छोड़ना है एक एक पैर जितना। और उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। देखिए हम थोड़े से कट लगाते हुए और यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आगे की तरफ हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम यहाँ पे पक्की सिलाई दे देंगे, बारीक सिलाई रखेंगे यहाँ पे हम। और ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। देखें उसके बाद हम एक और ये पट्टी लेंगे और उसको एक साइड से हम सिलाई दे देंगे। देखें हम अब हम हमारे नेक को उल्टा रखते हुए यहाँ पर बिल्कुल एक सिलाई देंगे, बिल्कुल किनारे की तरफ हम सिलाई देंगे। जितना हमने पाइपिंग बनानी है हम थोड़ी चौड़ी भी रख सकते, चौड़ा भी बना सकते हैं यहाँ पे, पर बिल्कुल हल्की हल्की दिखेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। देखिए हमें इसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई देंगे। हमें पाइपिंग पे सिलाई नहीं लगानी है, हमें अपने नेक पर ही सिलाई लगानी है। और जहाँ पे ये राउंड शेप है वहाँ पर हम एक हल्का हल्का कट लगा देंगे हमारे पीछे वाले इस पाइपिंग वाले कपड़े पर। और कुछ इस फिर ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पे दो चार कट लगा देंगे राउंड में। इसी तरीके से हम अपने नेक को फिनिशिंग दे देंगे और हमारा नेक रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर देखिए तीन बटन लगाकर हमारे नेक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे आपके लिए नई वीडियो लेके। बाय।